झांसी में अवैध खनन पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया था, अब खबर का असर हुआ है। खबर का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने शमशेरपुरा बालूघाट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 डंपर, 4 एनएलटी, 11 पनडुब्बी को सीज कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शमशेरपुरा बालूघाट पर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था, जिसकी खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर से हरकत में आए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बेतवा नदी के किनारे गलत तरीके से बालू माफिया बालू का खनन कर रहे थे। दर्जनों मशीनें लगा कर बेतवा नदी की कुख पर बात कर रहे थे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर एसडीएम टहरौली और एसडीएम गरौज की टीम ने शमशेरपुरा और एरिज घाट के आसपास अवैध खनन पर करारी चोट की है। देखिए, जब जब सूचना आती है कि कहीं भी शासन के निर्देश से इतर खनन की कार्रवाई होती है तो यहाँ से टीम भेजा जाता है। हमने तहसील स्तरीय टीम बना रखे हैं जिसमें एसडीएम, सीओ और माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं। तो कल सूचना मिली कि टहरौली तहसील में कुछ इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो तत्काल वहां टीम को भेजा गया और मौके पर से लगभग 21 डंपर सीज किए गए हैं और कुछ पोकलैंड भी, 4 पोकलैंड भी सीज किए गए हैं। इसी तरीके से हमने पैरेलल में अन्य तहसील में भी टीम को मूव करवाया। सूचना तो हमें एक जगह से मिली बट मुझे लगा कि अन्य तहसील में भी चेक करवाना चाहिए। तो गरौठा तहसील में एरज के पास भी 7 मशीनें सीज हुई हैं और इन दोनों ही केस में एफआईआर की कार्रवाई भी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुल्तान आबदी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुल्तान, आखिरकार खबर का असर हुआ है, जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया, आगे एक्शन किस तरह से जारी रहेगा? जी काजोल, मैं आपको बता दूं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर का अवैध खनन की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि आज तक जनपद में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी जो अब हुई है। इस पूरे खबर के असर को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा टीम गठित की गई, उसका संज्ञान लिया गया और खनिज विभाग पुलिस की टीम को गठित करके छापेमारी कराई, तो उसमें बड़े पैमाने पर ये सब चीजें जब्त की गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब जिलाधिकारी महोदय ने पट्टे को निरस्त कर दिया था शमशेरपुरा घाट के, तो फिर ये वहाँ किसकी शय पे संचालित हो रहा था? बिल्कुल, अब एक्शन लिया गया है, जांच किस तरह से होगी ये देखना होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। झांसी का ये पूरा मामला है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आखिरकार इस खबर का असर हुआ है। जिला प्रशासन हरकत में आया है, कई डंपरों को, कई जेसीबी मशीनों को, कई पनडुब्बियों को सीज कर दिया गया है।